वाली हूँ मैं. तो बेसिकली स्टोरी ये है कि शिव पंडित सात हॉस्टेजेस ले लेते हैं और इन रिटर्न वो मुझसे कुछ चाहते हैं और वो बोलते हैं अगर मैं वो नहीं करूँगी तो हर एक घंटे वो एक एक हॉस्टेज को मार डालेंगे. तो मेरे पास 7 घंटे हैं सॉल्व करने के लिए. और तो किस तरह मैं सॉल्व कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, क्या होता है उन हॉस्टेजेस का, दैट्स व्हाट 7 hours to go इज ऑल अबाउट. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर करने को मिला है जो मुझसे बहुत ही डिफरेंट है. और मैंने ऐसा कैरेक्टर अभी तक यू नो फिल्म्स में पोर्ट्रे नहीं किया है. एक पुलिस इंस्पेक्टर है नंदिनी शुक्ला और एक बहुत ही नो नॉनसेंस मैच्योर्ड सेंसिबल सॉर्टेड काइंड ऑफ अ गर्ल जो ऐसा नहीं कि सुपर वूमन है कि 50 लोगों को एक साथ मार धाड़ में यू नो चत कर देगी या ऐसा कुछ, बट एक नॉर्मल सी लड़की है जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस है और अपना काम बेस्ट तरीके से करना चाहती है. और उसको पता है कि वो एक स्लाइटली मेल डोमिनेटेड यू नो प्रोफेशन में है, बट शी कैज अ डैम, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, वो बस अपना काम करने आई है और करके जाएगी. तो एक ऐसा कैरेक्टर जो इतना बैड एस है, एक्शन है, एक्शन करती है, ये सब सीखने में बहुत मज़ा आया. द प्रोसेस वॉज वेरी इन्जॉयबल क्योंकि मैंने एक एक्चुअल गन कैसे शूट करते हैं वो मैंने सीखा. मैं एक्चुअल पुलिस ऑफिसर्स के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया. इनफैक्ट एक पर्टिकुलर फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं जिनके ऊपर मैंने कैरेक्टर अपना बेस किया है, जो ओशीवारा पुलिस स्टेशन में एक ACP हैं. उनके साथ मैंने फिल्म से पहले टाइम स्पेंड किया. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिक्स मार्शल आर्ट्स में मैंने ट्रेन किया बिफोर द फिल्म एंड आई हैव कंटिन्यू टू ट्रेन ताकि वो एक्शन जो है वो हाई इंटेंसिटी लगे, बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो. तो बहुत कुछ सीखने को, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो शायद नॉर्मली एक लड़की को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है करने का या सीखने का. तो इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी ही यू सॉर्टेड से हैं. सौरभ वर्मा, उन्होंने बहुत फ्रीडम दी थी कि जिस तरीके से मैं यू नो नंदिनी शुक्ला को प्ले करना चाहती हूँ वो उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी. इनफैक्ट मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे ट्रेन करने के लिए इन एक्शन. तो मैंने उनसे यू नो रिक्वेस्ट की कि मेरे को 2 महीने और चाहिए, आई वॉन्ट टू यू नो वर्क फॉर 4 months बिफोर आई स्टार्ट डूइंग एक्शन. तो उन्होंने अपनी फिल्म का स्केड्यूल इनफैक्ट पुश कर दिया ताकि मुझे वो 4 महीने मिले. एंड उससे पता चलता है ना यार कि कितना पैशन है एक डायरेक्टर में. ही वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर हिज फिल्म एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश डेट्स ऑफ अ फिल्म बिकॉज सबकी यू नो बाकी एक्टर्स की डेट्स आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, वो सब होता है, काफ़ी हेडेक होता है. बट उसके बावजूद उन्होंने मेरे लिए 2 महीने और पुश किया सो दैट आई ट्रेन रियली वेल. सो इट्स वेरी फ्यू पीपल वुड डू दैट. हॉलीवुड टाइप्स की फाइट हमने देखी. जी जी. तो ये सब कैसे किया आपने? हमने देखा जो ट्रेलर में आप जिन्हें ऑटो से जंप किया, ये सब कैसे किया आपने? बहुत मेहनत लगी है, बहुत महीनों की है. जो मैं 4 महीने बोल रही हूँ ट्रेनिंग की, वो सब इसी चीज़ के लिए थी. इट्स बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट नाउ फॉर एवरी वन हु डज एक्शन क्योंकि यार बहुत चोटें आती हैं, बहुत आपका बदन तो पूरा टूट जाता है ये सब करते करते और सीखने में. बिकॉज आप यूज टू नहीं होते हो तो बॉडी को ऑल्सो थोड़ा टाइम लगता है टू अडेप्ट. बट हमारी जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं एजाज, वो बहुत कमाल के थे. उन्होंने हीरो उन्होंने अभी बागी भी करी हुई है. तो बहुत ही फैबुलस एक्शन डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम जो थी बहुत अमेजिंग थी. और मेरे जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर हैं करण अगारी, वो भी बहुत अमेजिंग हैं. उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी इन ऑर्डर टू गेट टू जो आप रिक्शा के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सब उनकी मेहनत का फल है. मैं नर्वस थी व्हेन उन्होंने जब मुझे ऑफर करी थी फिल्म, क्योंकि फॉर अ मिनट मैं सौरभ से क्वेश्चन कर रही थी कि यार आर यू श्योर यू वांट मी टू डू दिस, बिकॉज फॉर एनी डायरेक्टर टू थिंक ऑफ मी एज नंदिनी शुक्ला इज क्वाइट समथिंग. बिकॉज मैंने अभी तक जितने रोल किए हैं वो थोड़े से इंडियन डोसाइल, थोड़ी सहमी हुई सी लड़की, वो उस टाइप के किए हैं. और नंदिनी शुक्ला बहुत अलग है इन सब यू नो कैरेक्टर्स से, बहुत
तो मुझे फॉर अ सेकंड मुझे खुद लग रहा था कि यार मैं ये सब कर पाऊँगी, क्या मैं ट्रेन कर पाऊँगी, क्या मैं एक्शन कर पाऊँगी. बट सौरभ वॉज द वन जो बहुत कॉन्फिडेंट थे इन सब को लेके. उन्होंने बस बोला था कि यार ये सब चीज़ें तो तुम सीख लोगी, मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा एक्टर चाहिए मुझे इस रोल के लिए, जो परफॉर्म कर सकता है, जो एक्टिंग कर सकता है. तो ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी एंड होपफुली इट विल पे ऑफ जब आप लोग फिल्म देखोगे. आप ऑलमोस्ट 4-4 घंटे यू नो ट्रेन कर रहे हो और आपकी बॉडी यूज टू नहीं है इतना वर्क. ऑल दो मैं एक काफ़ी बिकॉज मैं डांसर हूँ और मैं फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ, ऑल दो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था, बट इट वॉज बिकॉज मैं जिमनास्टिक्स भी सीख रही थी इसके साथ साथ. तो ऑफकोर्स बहुत पेनफुल था. मुझे अभी भी मेरे लेग्स पे चोटे हैं, निशान हैं, जो फुल शूटिंग के दौरान, जो ट्रेनिंग के दौरान हमें लगी, मुझे लगी हैं. तो या आई हैड वेरी वेरी पेनफुल नाइट्स, क्योंकि पूरा बदन आपका यू नो जम जाता था बिकॉज यू नो आपके मसल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी एक्शन ट्रेनिंग. बट इट्स ऑल वर्थ इट. जब आप जब जैसे कि आपने बोला ना कि रिक्शा के ऊपर पे जंप आपको अच्छा लगा, जब कोई ऐसा बोलता है ना तो आप ये सब भूल जाते हो कि कितनी मेहनत की थी, कितना पसीना बहा था, कितना खून बहा है, क्योंकि शूटिंग के दौरान काफ़ी चोटें आई हैं. तो इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन यू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन एंड पीपल लाइक व्हाट दे सी. यस, आई थिंक अब एक्टर्स ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं कंपेयर टू अर्लियर. आई थिंक ऐसा नहीं है कि एक्शन फिल्म्स का दौर है. आई थिंक एक्शन फिल्म्स हिंदी फिल्म्स में हमेशा से होती आ रही हैं. इनफैक्ट आप अक्षय कुमार की बिगनिंग की फिल्म्स देख लीजिए, दे वर ऑल एक्शन ओरिएंटेड. सुनील शेट्टी के देख लीजिए. सो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं था, एक्शन हमेशा से था. इट्स जस्ट दैट आई थिंक टाइगर हैज़ ब्रॉट अबाउट अ सर्टेन चेंज, बिकॉज जिस तरीका का एक्शन वो करता है वो एक नयापन था हमारी इंडस्ट्री के लिए. वैसा एक्शन उससे पहले किसी और ने नहीं किया था. तो आई थिंक ही इज़ बॉट दैट चेंज एंड उसकी वजह से काफ़ी दूसरे यंग एक्टर्स हैं अब वो ट्रेन कर रहे हैं ऐसे ही. और दे ऑल वॉन्ट टू बी यू नो दे ऑल वॉन्ट टू बी एज गुड एज और इवन बेटर देन वॉट टाइगर डिड. तो एक अलग टाइप का एक्सपोजर है, अलग टाइप की लर्निंग है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करके, बिकॉज मैं एक डांसर हूँ, प्रोफेशनली एक डांसर हूँ. तो एक और मुझे फिल्मों में डांस करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी सारी भड़ास इस म्यूज़िकल में ही निकाल देती, क्योंकि मैं जितनी फिल्म्स कर रही हूँ वो सारे थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, थ्रिलर, सीरियस, यू नो उस जोन में आते हैं. मैं नाच गाना किसी फिल्म में नहीं कर रही हूँ और मुझे बहुत मन है कि मैं ऐसी कोई फिल्म करूँ जहाँ पर मुझे डांस करने का मौका मिले. बट या दैट हैज़न्ट हैपेंड एट. या 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो दे डोंट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, फ्रिक्शन होता है हमेशा, जैसे हर फैमिली में होता है, माँ बाप के बीच में, बच्चों और माँ बाप के बीच में, वैसे टाइप का फ्रिक्शन होता है इन 6 लोगों के बीच में. और कैसे एक ट्रेजिडी होती है और हाउ दैट ट्रेजिडी ब्रिंग्स देम टुगेदर इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. एक ह्यूमन इमोशन ड्रामा है और बहुत रियल स्पेस में है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पेनिश फिल्म्स, ईरानियन फिल्म्स एंड स्पेनिश फिल्म्स. बहुत आप देखोगे तो आपको लगता है कि वो एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपके ड्राइंग रूम में बैठ के कॉन्वर्जेशन हो रही है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे स्पेनिश सीखनी पड़ रही है, मैं भी स्पेनिश सीख रही हूँ. और इट विल बी अ वेरी आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो आई होप आप लोगों को ट्रेलर पसंद आए एंड आई होप प्लीज़ गो टू द थिएटर्स ऑन द 24th of June एंड वॉच अ फिल्म एंड सपोर्ट अस एंड लव अस एंड एनकरेज. प्लीज़ हाँ, अगर आपको एक लड़की को एक्शन करते हुए देखना है तो प्लीज़ 24th June को 7 hours to go देखने ज़रूर आइए. ऑफकोर्स आई होप सो. थैंक यू सो मच. थैंक्स अटानिया.